औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब दोस्त भैन भरा बुजुर्ग खैर खरीत नाल होसो और अल्लाह ताला ने सो मानी चो सो। आज है जी इतवार ना दिन 15 सितंबर ते 11 रबीउल अव्वल ना दिहाड़ा आ। कल 12 रबीउल अव्वल है, जिस असें पता कि पूरी दुनिया च हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी विलादत दा दिहाड़ा 12 रबीउल अव्वल जड़ा बड़ा मजहबी जोश जज्बे नाल मनाया जाना। इत्थे यूके च भी ये दिन बड़े खूबसूरत अंदाज में मनाया जाना। तो अज असा भी जाई रहे हैं, एक मिलाद ना प्रोग्राम है हारूनिया मस्जिद जड़ा कि चौदवा सालाना मिलाद मार्च और जड़ा उत्थे जलसा मुड़ी उसी मस्जिद ते वो सारा सोना शेयर करसा। तो तुम दसा कि इत्थे मिलाद किस तरह मनाया जाना। वैसे तो कल जहर 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन इत्थे इंग्लैंड दे गैर इस्लामी मुल्क है, इत्थे जहर छुट्टी ना जिस दिन होना अमूमन इतवार की जड़ा ना दिन मनाया जाना। ते आज इतवार ना दिन आदि सोचा तो इतना अज मिलाद ना प्रोग्राम रखा गया, मार्च उसी जुलूस उसी सारा सो नाल शेयर कर सा कि इतना किस तरह मनाया जाना। ते पाकिस्तान ही चीज यार कल मनाया जा सी, ते चलो सारा कुछ सो नाल शेयर कर सा। ते तुम दसा कि इतना मिलाद शरीफ जड़ा जश्न ईद मिलाद नबी है वह किस तरह मनाया जाना। तो हूँ मैं तैयार हो गया, बस मस्जिद जा सा ते उत्थे फिर जड़ा किस तरह जुलूस स्टार्ट उसी सारा सो शेयर करना इंशाल्लाह। माशाला जी है फोन स्टूडियो मियाँ इतहाद गुड्डू और तरफों इत है नाश्ते ना इंतजाम होना है। तो हूँ दुआ शुआ उसी माहल सलाम पढ़ने पे, तो इस तू बाद जड़ा ना नाश्ता वगैरह दिता जा सी। तो चलो तुम ये भी नाल दसने हैं, पहले तो मिलाद जड़ा है वो उतु शुरू हो सी है मार्च अरूनिया मस्जिद जी इंशाल्लाह। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत औलाद बासआदत का मौका है, वो एक जश्न है इंशाल्लाह ताला, ये ईद का मौका है। इसमें आप तमाम साथियों को ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी जिंदगियों में आने वाली हमारी नस्लों में अल्लाह ताला ये मोहब्बत कायम रखे। जैसे आप सब साथी अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मौके पर तशरीफ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने इंशाल्लाह इसी तरह ऐसे ही इंशाल्लाह इकट्ठे होते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर इंशाल्लाह ताला आपकी ज़ियाफ़त के लिए इंशाल्लाह इंतजाम किया गया है। दुआ के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जगह पे बैठे, जहाँ पे सीटें नहीं है इंशाल्लाह ताला आप खड़े हो जाए, आपको इंशाल्लाह ताला खाना आराम से प्रोवाइड किया जाएगा। तकलीफा सब तक अरूनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दुआ फरमाए और तमाम साथियों के लिए दुआ फरमाए, उम्मत मुस्लिम के लिए दुआ। आमीन। ये जितने भी आप जमा हैं आपके दिल में इश्क रसूल अपने महबूब ने याद आला या अल्लाह तू करम फरमाए सानी हाजरी कबूल या अल्लाह, ऐसी हाजरी बना के कयामत वाले दिन असा उठा तभी इसी तरह जो या अल्लाह तू मेहरबान है तेरा अपना फरमान तो मैं मंगा या अल्लाह मेरे महबूब में इस मिलाद में खुशी भी कि या अल्लाह सानी ईमान की सलामती अता आमीन। जो काम ने ना दुनिया तो जा चुके उन्हें की अजर जिंदा ईमान की सलामती अता आमीन आमीन। इन्हें कारोबार की बरकत फरमा और औलाद आमीन सफल करो आमीन। कोई माइक्राम हम या अल्लाह जो जवान तेरे नेक बंदे
باقی جو مخلوق ہے سب تیرے بندے تیری محبت تیرے معبود محبت میں یا اللہ آج خوشبو لے کے دھکڑے کہ تو کرم فرما سنے سینے نور محمد نا یا اللہ روشن فرما آمین سچ کی پہچان عطا فرما آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جی دعا وغیرہ ہوئی گیا تھا ہن جڑا نا ब्रेकफास्ट जरा नाश्ता दिता गया सारे उलमा करांग इत बह गए बाकी टेबल शेबल लगे सारे इधर जनाब हलवा शलवा अचार चने नाश्ता माशाल्लाह तब चने जरा वल करी तो पाया वीडियो जरा वल करी इधर जनाब चार माशाल्लाह जी ये सारा इंतजाम जड़ाया ये गुड्डू भाई और तरफ आया मियाँ इताद गुड्डू साहब फोन स्टूडियो नाल चाय वगैरह काफी बंदे जनाब माशाल्लाह रश काफी है इधर बंदे जनाब बह के खास आराम ना इधर जनाब बंदे हम नाश्ता करन लगे सारे ऐ जनाब मुगल बहादुर खलते न शहजाद साहब वाइफ साहब और वसीम निके जने खलते न शर्माने हेलो जैन यू ओके ए आप लुक अबाउट फ्लैग फॉर यू ये मैं उतू आज ही मैं दियो फ्लैग निका किन सी माशाल्लाह जी नाश्ता बहुत ही जबरदस्त बड़ा मजा आया बड़ी आवाम है ते हूँ असा भी नाश्ता करी रहे चने वगैरह नान खाते थोड़ा लवा खाने इंजॉय करने पे सारे जने माशाल्लाह इंजॉय करने पे हूँ बस नाश्ते तो बाद इंशाल्लाह बाहर शुरू अस जुलूस चढ़ाया सारा दसा इंशाल्लाह शेयर कर सकता माशाल्लाह जी हूँ तकरीबन ऑलमोस्ट बंदे नाश्ता करी रहे बस लास्ट मिनट हूँ बस जो बंदे खाने पे कुछ बेही तो खाने पे कुछ खली तो खाने पे मुजफ्फर साहब जनाब हलवा इंजॉय करी रहे नाइस बनता किया जा सी ब्रेकफास्ट जबरदस्त हाँ जी किया जा सी ब्रेकफास्ट नाश्ता इंजॉय है कोई नहीं अच्छा ठीक है अंकल बहुत जबरदस्त जनाब इंतजाम सी बड़ा प्यारा नाश्ता सारे बंदे इंजॉय किया माशाल्लाह आवाम भी काफी है जबरदस्त हो गया माशाल्लाह
माशाल्लाह जी रौनक लगी है। हाँ जी माशाल्लाह अदनान साहब क्या बने हो जरा मियां ताद गुड्डू साहब नाश्ते ने इंतजाम किया किस तरह से नाश्ता? यहाँ पे हम ईद मिलाद नबी कहते हैं, अगर हमारे बच्चे की बर्थडे होती है तो हम हफ्ता पहले दो हफ्ते पहले महीना पहले हम शुरू करते हैं, लेकिन ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। वो बर्थडे हम कहते हैं लेकिन करते नहीं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हम पे एक एहसान है। सही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए हैं ये हमारे लिए एक एहसान है, हमारी बख्शिश का जरिया है, तो उनकी खुशी के लिए यहाँ पे एतमाद सब के लिए आए हैं। अल्लाह आपको भी खुश रखे और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी। हुण जुलूस ना आवाज वो सी बंदे बल्ले बंदे इधर इकट्ठे होने पे हुण ए जड़ी वैन है क्या हो सी ते उस तो बाद फिर सारे बंदे जड़े पीछे मार्च कर सन जुलूस हो सी इंशाल्लाह। हारूनिया मस्जिद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे मुड़ी जनाब इस तो बाद दूसरे इख्तिताम पर जलसे नहीं शक्ल तैयार कर दी जैसे दोरी नमाज तो बाद इंशाल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सारे मिलके पढ़े माशाल्लाह जी। ये जड़े जड़े हुसन इंतजामिया जो सन के जड़े बंदे की कंट्रोल कर सन बंदे जड़े नो फुटपाथ पर रहन सड़क पर ना जान बाकी जड़ा गंद मंद हो सी सारा कचरा वगैरह वही बैगों बाया जा सी के बंदे जो रोड पर ना सट्टन सफाई ना खास ख्याल किया जा सी ते ये सारा कुछ इंतजामिया शामिल हूँ बंदे बंदे जड़े न सारे इकट्ठे होने पे इधर इतों ही फिर मुड़ी जाना ना जुलूस ना आगाज हो जा सी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी ए जी जामिया मस्जिद हारूनिया एंड इस्लामिक टीचिंग सेंटर आलमराक रोड ए जनाब इस मस्जिद की यह भी खूबी है कि यह मस्जिद जड़ी है शायद तकड़े हो कैपिटल ये पहले एक सिनेमा होना सी जड़ी कि तकरीबन कोई 15-20 साल पहले खरीदी गई है और इसकी मस्जिद कन्वर्ट किया गया ते ये भी एक बड़ा इस मस्जिद ने एजाज है ते ये तकरीबन 14वां सालाना मिलाद जुलूस इतमाद जड़ा ना शुरू होसी है ते तकी सकने हो काफ़ी बंदे न काफ़ी बड़ा ये प्रोग्राम होना ते रास्ते च भी लोग जड़े न वह इंतजाम करने न खाने पीने ना भी जगह जगह समोसे पकौड़े ड्रिंक्स वगैरह मिठाई हर चीज़ जड़ी है ये जुलूस जनाब तकरीबन मेरे ख्याल च 2-3 मील जड़ा ना ये मार्च करसी है ते ये तकरीबन 1.5-2 घंटे वापस इतना मस्जिद पहुंची बस थोड़ी देर है जी हूँ जुलूस ना आगाज हो सी कोशिश कर सा रास्ते भी थोड़ी थोड़ी जी कवरेज है वह करा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी बंदे सारे कट्ठे हो गए बंदे बस थोड़ी देर है माशाल्लाह जी जुलूस ना आवाज हूँ आने लगाया और माए कराम बल्ले बल्ले हूँ कट्ठे होने पे सबसे बालाओ आला हमारा नबी कौन देता है देने को है देने को मुझाहिए कौन देता है चला जुलूस ना आवाज हो ही गया जी देने को मुझाहिए देने वाला है सच्चा
का जुड़ा कला जी आस्था से चले गए तो वहां से जुलूस का घर बकायदा करेंगे उनमा से गुजारिश है कि जहां पर नाश्ता किया था आपके कदम वहीं रुक जाने चाहिए ताकि जुलूस का बकायदा आगाज वहां से करेंगे। तमाम शुरका उलमा की क्यादत में आगे बढ़ेंगे। जो ऐलान करने वाली ये गाड़ी है ये सबसे आगे होगी, इसके पीछे उलमा इकराम का जुर्मट होगा, उसके पीछे इंशाल्लाह ताला सारे शुरका जो इस जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होकर आकाए दे जहां के साथ अकीदत गालिहाना अकीदत का इजहार करते इंशाअल्लाह ताला बड़ी गली गली में आज दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद करते हुए रवाना होंगे। माशाल्लाह जी, तको अपनी अपनी तरीके नाल बंदे हर बंदा जड़ा है वो अकीदत ना इजहार करना चाहे कुसा बंदे जनाब जी बिठाती है इसने भी झंडे वगैरह लाए ने हूँ जनाब इतों बाकायदा जरा जितना नाश्ते का इंतजाम से बाकायदा है जुलूस ना आगाज हो जुलूस बाकायदा मुनज़म तरीके नाल इसकी ऑर्गेनाइज किया जाना सिक्योरिटी ने इंतजाम किए जाने और नाल ही ट्रैफिक की भी बार रखा जाना कि ट्रैफिक जी ब्लॉक ना हो क्योंकि असं दया गैर ही रहने इतना जाहिर है बाकी भी मामलात होने तो उन्होंने ख्याल रखा जाना नाल नाल कि कोई डिस्टर्ब ना हो तो अच्छे तरीके ने जड़ाया वो मार्च जड़ाया वो अपने मंजिले मकसूद पर पहुँचा आलमराग की गुजरसी है वाशुडीथ रोड फिर वापस आलमराग रोड वापस इतने आई जैसे माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह इसके नोट को माशाल्लाह जी मियां इत्तेहाद गुड्डू साहब की जो दुकान है फोन स्टूडियो उसके सामने से हमेशा की तरह आज फिर चौथा सालाना जो जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है उसका आगाज हुआ है। फिलीफा साहब से गुजारिश है कि दुआ फरमाएं और दुआ के बाद इंशाल्लाह ताला इस जुलूस का आगाज यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद बर्मिंघम आलमराग वाशुडीथ इसकी जो स्ट्रीट्स हैं जो गलियां हैं जो सड़कें हैं वहां से नारे लगाते हुए अकायदो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना अकीदत का इजहार करते हुए अब जाएंगे। मियां इत्तेहाद गुड्डू साहब हमेशा नाश्ते का इस्तेमाल करते हैं, आज सुबह 9-10 बजे से लेकर 11 तक यहां पर अशकान रसूल का जुर्मट इकट्ठा हुआ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला दुआया तकरीब के बाद अभी इंशाल्लाह ताला बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। हमने पूरे रस्ते में सरकार दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना अकीदत का इजहार करते हुए नारे बुलंद करते हैं, दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद करनी है ताकि आका करीम के साथ आज इस सरजमीन जो बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर बर्मिंघम है यहां से आका करीम के साथ वालिहाना अकीदत का इजहार हो सके। माशाल्लाह जी, अंकल रंगजेब साहब रहा जनाब की तरफों इन्होंने तरफों हर साल हमेशा इन तरह इंतजाम होना आ तको जी जनाब झंडे तो माशाल्लाह खाने पीने का इंतजाम तो माशाल्लाह इन्ना खूबसूरत घर है इन्होंने सारी फैमिली माशाल्लाह इन्होंने इंतजाम करने इन्होंने माशाल्लाह सारी फैमिली बच्चे जनाब इन्होंने और अगू जनाब सारी फैमिली इन्होंने छोटे बच्चे भी जनाब तको जुलूस जनाब इन्होंने माशाल्लाह जश्न मिलाद नबी के जुलूस में बरतानिया भर का ये पहला जुलूस होगा जिसके रास्ते में 14-15 तकरीबन मुख्तलिफ लोग स्टाल लगाते हैं दुआएं करते हैं। अभी माशाल्लाह चौधरी औरंगजेब साहब तबारक साहब उनके भाई उनके बेटे उनकी पूरी फैमिली की जानिब से ये खाने का स्टाल लगाया गया है, इनके लिए दुआ करनी है। जिस तरह ये आज आशकान रसूल के इस जुलूस की खिदमत कर रहे हैं शुरका की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह पाक इनके इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। खलीफा सूफी सफदर सैन साहब इस गुजारिश है सामने आ जाए और दुआ करें औरंगजेब साहब उनके बच्चों उनकी फैमिली के लिए दुआ फरमाए। आमीन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व आलि वसल्लम से या अल्लाह जिस जुलूस मिलाद तेरी रहमत है या अल्लाह भाई रंगदेव साहब इत्माम की तय लंगर ना ये लंगर ना इत्माम अपनी बार का कबूल फरमा या अल्लाह हर साल सब तो पहले ये लंगर ना इत्माम कर रहे हैं जुलूस चल चल रहा है या अल्लाह इन्होंने दर्जात बुलंद फरमा परेशानियाँ बीमारियाँ दूर फरमा रोजी जिंदगी बरकत फरमा इन्होंने औलाद की दीने में हबत जो अता फरमा ये मजीद बरकत अता फरमा इन्होंने ताज़ा रहम दिन बारिश फरमा ईमानी सलामती अली जिंदगी नबी पाक ने गुलामा अली साहब फिर शामिल फरमा या अल्लाह जो जो दोस्त दूसरा या नज़दीकों आ पहुँचे ने सारे दिली ने काशता पूरिया फरमा। माशाल्लाह जी ये असानी फैमिली नहीं तरफों सारे तरफों अल मुगल फैमिली भाई आफ्ताब माड़ी तरफों शहजाद वसीम और
ਭਾਈ ਖਾਲਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਪਸ਼ਕਾਵਤ ਸਾਜਿਦ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਕੀ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਮੋਸੇ ਮਿਠਾਈ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੀਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਅਸਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਸ ਜਲੂਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਜਲੂਸ ਕੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਲੂਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਲੂਸ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲੂਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਲੂਸ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਨ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਲੂਸ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲੂਸ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਜਾਨਬ ਰਵਾ ਦਵਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਸ਼ਕਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਖਾਤਰ ਦਵਾਜ਼ੋ ਕੇ ਲੀਏ ਰਸਤੋਂ ਮੇਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਕੀ ਹਰ ਕਦਮ ਪਰ ਜਲੂਸ ਕਾ ਇੱਕ ਨਿਆ ਸਟਾਲ ਨੇ ਫੂਡ ਖਾਣੇ ਕਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਲੂਸ ਇਸ ਜਲੂਸ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਕਾ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਕੇ ਲੀਏ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਤਾਬ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਉਨਕੇ ਭਾਈਓ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਮੁਗਲ ਉਨਕੇ ਭਾਈਓ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਤਾਵਨ ਕੀਆ ਹੈ ਦੁਆ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਈ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅਫਰਾਦ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਜਲੂਸ ਕੀ ਜੋ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਕਾ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਸੱਚੇ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਨਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵਾਲਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਨ੍ਹੇ ਸ਼ਿਫਾਈ ਕਾਮਲਾ ਅਜਜ਼ਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਜਲੂਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਏ ਔਰ ਭਾਈ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹੀਂ ਤਮਾਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਲੀਏ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਪਰ ਦੁਆ ਕਰਾਏ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਸਲੇ ਰਸੀ ਨਾ ਮਾਰ ਵਖੰਦ ਵਾੜ ਅਲਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਾਹਬੂਬ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਗੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੀ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾਨ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਖਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾ ਕਿ ਆਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ ਫਰਮਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਲਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਨੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾ ਗਲਾਮੀ ਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਜੋ ਖਾਦਰ ਇਸ ਮਹਿਫਲੀ ਸੇ ਮਜਲਿਸ ਮੇਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਹਬੂਬ ਨਾ ਗਲਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਲੰਦ ਫਰਮਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ عطا ਫਰਮਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਮਾਈ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੋਸਤੋ ਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆਪਕੇ ਯੋ ਰੁਬਸ਼ ਆਪਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਬਚਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਜਾਂ ਬੈਗੂ ਮੇਂ ਡਾਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕੂ ਪਰ ਮਤ ਫੇਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਤਰ ਖਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਠਾਈ ਸਮੋਸੇ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਨੇ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਜ਼ਾਕਲਾ ਜ਼ਾਕਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਧਰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਨਾਬ ਜਲੂਸ ਹੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਨਕੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਕਾ ਜਲੂਸ ਲੇਕਰ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜਲੂਸ ਕੇ ਆਗੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨਗੇ ਉਨਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਕੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੀ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਆਏ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਕੇ ਸਾਥ ਅਕੀਦਤ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਨਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ਕਤੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਮਾੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੁਰਵਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਖਿਦਮਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਔਰ ਸਵੀਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰਿੰਕਸ ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਹੀ ਬਸ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲੂਸ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਹਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਹੋ ਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰ
अपना बंदोबस्त करने पे सारा दुआ उसी और इस बात जड़ा ना जुलूस की खिदमत की जैसे खाने सल्ले अला मुहम्मद اللهم صل على نبينا صل على محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اس نوجوان نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کیا ماشاءاللہ جی یہاں پر مظہر اقبال مغل صاحب مظفر صاحب آج مروت سنتا طارق محمود صاحب محمد مشتاق حسین شہزاد ان سب کے لیے دعا کرنی ہے محمد مشتاق کی بیٹی بیمار ہے آج دعا فرمانی اللہ رب العزت جل اس کے صدقے سے ان کی بیٹی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اسی طرح بھائی مظفر اقبال صاحب کی والدہ بیمار ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے آج مروت صاحب کی والدہ بھی بیمار ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے من جملہ بھائی مظفر صاحب ان کے جو ساتھی ہیں طارق محمود صاحب آج مروت صاحب جنہوں نے اس سال کا اہتمام کیا اللہ رب العزت دائیں ان کی ساتھ سے نوازے میں گزارش کروں گا خلیفہ صوفی صدر سے ناروری صاحب سے کہ آئیں دعا کریں اور جس طرح جو ہی یہ رکے ہیں رحمت کی بارش بھی روانہ ہو چکی ہے دعا فرمائے اللہ رب العزت اسی طرح رحمت کی چادر میں سب پر چھائے یا اللہ تیرے معذور بندے نے جو یہ میرے سپیکر ہے لنگر ہے اسے تمام کی اپنی بارگاہ قبول منظور فرما یا اللہ تیرے معذور اغلام جلسہ جی مصطفیٰ حضی کے اس لیے سلم اس نے جتنے بھی شریک آئی میں سارے اندر ہوں یا اللہ انہوں نے حق کی دعا قبول فرما بیمار شفا یا اللہ جو بھی حاجت مند اپنی حاجت پوری طرح پریشانیاں دور ہونا بالخاص جنہوں دوستوں اہتمام کی کر لنگر نہ یا اللہ انہوں نے دلی نیک آئی کا پوری کرنا یا اللہ جنہوں نے والدہ بیمار ہے بچی بیمار ہے کوئی بیمار ہے یا اللہ انہیں اس پاک لمحے نہ بھی شفا عطا فرما یا اللہ انہیں سینے نبی پاک میں نور روشن فرما اچھا سارے غلام رسول بنا سچی عقیدت عطا فرما دین اسلام میں محبت عطا فرما اچھا پریشانیاں بیماریاں بھی دور فرما یا اللہ پاک لمحے تیری رحمت میں بارش ہے اس بارش نے وسیلے نہ سن کرم فرما ربنا دل فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ماشاءاللہ جزاک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ اس جلوس کی قیادت میں دیکھیں گھڑ سوار جو گھڑ سواری پیغمبرانہ پیشہ ہے بھائی گلزار خان صاحب اویس صاحب ہیں واسطی صاحب ہیں یہ نوجوان گھڑ سوار ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں سرکار کی سرکار کے ساتھ اظہار محبت کا عقیدت کا اظہار کرتے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی یہ رحمت کی بارش ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اسی طرح دھیرے دھیرے آپ چلتے جائیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کامیابیوں کی سیڑھیوں پر چلے جا رہے ہیں ہدیہ درود و سلام کی صدایں بلند کریں ماشاء اللہ ہماری خوش قسمتی لاہور سے داتا کی نگری سے پیر شف... جی خلیفہ عبد الخالق اور نے کارنے باہر جناب بھائی اور بھی کون جناب اتنے بھی لنگر انتظام ہے جی گھوڑے سموسے وغیرہ ماشاءاللہ بھی جناب سموسے پکوڑے ڈرنک وغیرہ خالق صاحب گاڑی سے نکل رہے ہیں ان کے گھر کے سامنے ہر سال اسی طرح کھانے کا سٹال لگایا جاتا ہے آستار مصطفیٰ کی خدمت کی جاتی ہے آج بھی ان کی جانب سے ان کے بچوں کو ماشاءاللہ جی خلیفہ صاحب بہت مبارک ہے جی ماشاءاللہ اور بچوں کو اسی طرح اتفاق اور اتحاد کی دولت سے آستار مصطفیٰ کے اس طرح خدمت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے میں قبلہ خلیفہ صوفی صدر صاحب سے گزارش کروں گا جگہ جگہ جلوس کی خدمت ہو رہی ہے خوشی دعا کرنی ہے ماشاءاللہ آپ آج آپ کا بڑا ہنمان تو میں خلیفہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں اللہ رب العزت دارین کی ساتھ نصیب کرے آمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مولا علی سیدنا مولا محمد مولا علی سیدنا مولا یا اللہ خلیفہ عبد الخالق صاحب جو اس مام کی تعلیم کر رہے ہیں اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے یا اللہ تیرے معبود غلام تیرے معبود غلامہ نے خدمت کر رہے ہیں یا اللہ انہیں سینے روشن فرمائے زندگی نہ ہر لمحہ کامیابی کامرانی اور غلام رسولی عطا فرمائے یا اللہ کرانے بیماریاں دور فرما پریشانیاں دور فرما یا اللہ روزی زندگی برکت فرما یا اللہ انہیں اولاد کی نیک بنا اور والدین کی فرمانداری عطا فرما یا اللہ جتنے بھی دوست شریک موجود ہیں سارے ہر لمحہ کامیابی کامرانی اصل سارے نسبت رسولی عطا فرما نبی پاک نے غلامی عطا فرما اس کے رسول عطا فرما نبی پاک نے نور لاسن سارے نے سینے روشن فرما یا اللہ قیامت والے دن شرمندگی تو بچنے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین
माशाल्लाह जी जुलूस आस्ता आस्ता बस छुट्टी थ्रोट आलम रात की तरफ हूँ गमजन है। बारिश भी शुरू हुई सी लेकिन बारिश रुकी गया हूँ अगे अच्छा तो तकी सकने हो घोड़िया ने माशाल्लाह त्रै घोड़े की जोड़ी है माशाल्लाह काफ़ी क्योंकि रस्ते च खाने पीने इंतजाम या जिसने भी जदू थोड़ा सा जरा जुलूस है वो स्लो हो जाना फिर वो बंदे भी थोड़े अगर पिछे हो जाने ट्राई करना पे फुल कवरेज दिया लेकिन जरा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनानी फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जैसी या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह रास्ते च नाल ट्रैफिक भी है ट्रैफिक की रोक रखना जरूरी है काफी वो दूर तक बंदे आले भी अच्छे पे क्योंकि इसका खाने पीने इंतजाम होना फिर जरूर थोड़ा स्लो हो जाना बदल नहीं है मोहम्मद के शहर में किस्मत बदल नहीं है मोहम्मद के शहर में। जुलूस हूं जरा सॉल्ट लेक गेट आई गया इतू आलम राख रोड स्टार्ट होना है इतू आलम राख रोड पर जरा जुलूस जाती है हूं ये अल मशहूर अलमराक रोड है तो जुलूस पास इतों टर्न करती है अलमराक रोड की तरफ रोड पर जुलूस आई गया जी हूँ जी जुलूस अल मारूफ मशहूर आलम रोड पर गुजरना पे इसलिए हर बंदा ही पुरजोश है और जुलूस नहीं जगह जगह वीडियो वगैरह भी बनी सब मिलकर बोलो मर आबा सब झूम के बोलो मर आबा शर्माना छोड़ो अपने भी सुन ले मर आबा अगियार भी सुन ले मर आबा मर हबा मर हबा मर हबा या मुस्तफा शीश बेकरी की तरफ जनाब ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत माशाल्लाह जी नफीस बेकरी वाले जफरान साहब हैं भाई आशिक साहब हैं भाई जावेद साहब हैं और जो उनके साथी हैं जिनकी जानिब से खाने पीने का इंतजाम किया गया वेन वाले खड़ा किया गया
खाने पीने का इंतजाम किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कारोबार में बरकत आ जाए। सामने आ जाए भाई आशिक साहब, सारे सामने आ जाए। माशाल्लाह भाई आशिक साहब है, क्या नाम? पकवान आंसर साहब, जावेद, सारे जावेद साहब, इनकी जानिब से खाने का इंतजाम किया गया है। जो आशिकान मुस्तफा थे, जो शरका है, उनके लिए खाने पीने का तवाज़ों का इंतजाम किया गया है। इनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नफीस बेकरी को चार चांद लगाए, इनके कारोबार में बरकत आता है। नफीस बेकर्स आलम राग जी, गुजारिश करूंगा कि इनके लिए आमीन। अल्लाह से रहमत से हमारा मकसद है, हमारा मकसद है, हमारा मकसद है, हमारा मकसद है। या अल्लाह, नफीस स्वीट सेंटर वालों ने जो प्यारा इंतजाम किया है तेरे महबूब ने बुलाया, या अल्लाह इसे अपनी बारे में कबूल कर, या अल्लाह इन्हें दर्जात बरकत फरमा, रोजी जिंदगी बरकत फरमा, कारोबार बरकत फरमा, इज्जत ही बरकत फरमा, परेशानियां बीमारियों से बचा के आमीन। सलामती ने की बाकी गुलामी अली जिंदगी का आमीन। रब तेरे रात का खान साहब से गुलामी का आमीन। जिंदगी की गुलामी फरमा के हम नसीब राजी फरमा। या अल्लाह तकरीम गफूर है, मैं तेरी दीदी तो कुछ ना तेरी रात का खर्च किया है। या अल्लाह तेरी महबूब ने गुलामा की खिदमत की है, बड़ी दौड़ की मजीद नहीं बरकत वाली जिंदगी अदा फरमा। अरे बना दिल के दरिया हसन जो अखिल ला खरत या सुन दुआ करना दा बंदा नंबरा दी ला क्या लगी तुने मी दोस्त दोस्त शामिल सारे ने दे दुनिया क्या मत अगर दिल रसवाई के बचा के ईमान इस्लाम की दी जान को लगी जल्दी अदा फरमा। सब लोग ताजदार खत्म नबूवत माशाल्लाह जी, जुलूस बैन आलम राख जरा ट्रैफिक लाइटा उ आई गया आलम राख रोड पर। माशाल्लाह जी, बिलाल स्वीट पर इतने भी इंतजाम है, जुलूस की खिदमत ना। माशाल्लाह खान भाई, बिलाल स्वीट की तरफ से जनाब जुलूस की खिदमत की जा रही है जी। एंड जनाब अजी बशीर साहब, सूफी बशीर साहब की तरफ से अंसारी साहब, राजा हादर साहब की जानिब से अभी खाने का इंतजाम किया जा रहा था। इसी के साथ ही बिलाल स्वीट सेंटर जो है आलम राख में हमेशा की तरह इस तरह फिर उनकी जानिब से खाने का भरपूर इंतजाम किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत में दुआ करें कि अल्लाह पाक जो बिलाल स्वीट सेंटर है खान साहब, इनकी इज्जत अजमत में अजाफा फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। हमेशा हर साल इन्हें मिलाद मुस्तफा के जो शुरका होते हैं उनके लिए जुलूस का एहतमाम करते हैं। माशाल्लाह जो हाथी जो ब्रेकफास्ट है स्वीट कॉर्नर है, राजा हैदर खान साहब की जानिब से भी खाने का एहतमाम किया जा रहा है। तो तमाम शरका से गुजारिश है कि जो सामने कांसर रोड है हाथी पास फूड और स्वीट सेंटर वहां से खाना लेते जाए, उनके लिए दुआ करनी है। यहाँ पर इंशाल्लाह बिलाल स्वीट सेंटर उनके लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भाई बिलाल स्वीट सेंटर के कारोबार में बरकतें अता फरमाए। हमेशा की तरह इनका जज्बा जो इसके मुस्तफा है आशकार रसूल की जितनी खातिर तवाज़ो करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी कारोबार में चार चांद लगा दे। मैं खलीफा साहब से इंशाल्लाह गुजारिश करूंगा कि वो आए और दुआ करें। माशाल्लाह जी, जुलूस की जी खिदमत है वो एक जारी है, सारी है। या अल्लाह तेरे महबूब बंदे तेरी जात पर तो बहाने तलाश कर रहे हैं, तेरे महबूब ने नाम में तो प्यार जुलूस इसने किए ने देख लिया। माशाल्लाह जी, थोड़ी जी, थोड़ी जी, थोड़ी साल ज्यादा है, थोड़ी थोड़ा थोड़ा ये ज्यादा है। माशाल्लाह जी, ये सिप एंड बाइट वाले नहीं तो फिर खिदमत की जा रही है, मिल्क शेक पिलाया जा रहा। माशाल्लाह जी, जो ये बिलाल स्वीट सेंटर वाले का स्टाफ है, अभी जो क्रॉस रोड है हाथी स्वीट सेंटर और ब्रेकफास्ट कार्नर राजा हैदर साहब की जानिब से खाने का स्टाल लगाया गया। मैं खलीफा साहब से गुजारिश करूंगा उनके लिए भी दुआ फरमाए और दूध सोडा उनके शॉप के सामने आया, सारे शरका लेटे जाए दूध सोडा, जो हाथी स्वीट कार्नर है क्रॉस रोड दूध सोडा लेटे जाए, उनके लिए दुआ करनी अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन।
जुलूस हूं तकरीबन आलमराग रोड आधे रस्ते जाई गया ते फिर जनाब इस तरह आलमराग रोड पर गुजरना मस्जिद हारूनिया वापस पहुंची फिर उत्थे जलसे की शक्ल इख्तियार करी असी इंशाल्लाह बाकी ना प्रोग्राम उत्थे हो सी फिर एंड पर लंगर ना इंतजाम हो सी इंशाल्लाह रहते गए सदा टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के जी साढ़े दोस्त हैं ख्वाजा शकील साहब ने भी नालों नाल कवरेज करी रहे जनाब इन्हों की बैडा की फैक्ट्री है जिस तक बैडा तो मैट्रेस चाहिए मैं इन्हें रबता कर माशाल्लाह जी अदनान भाई जुलूस की गाइड करी रहे सब मिलके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना काफी बड़ा जुलूस है जी माशाल्लाह मोहम्मद व अला माशाल्लाह जी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है तो बस थोड़ी देर ही असं वापस अरूनिया मस्जिद ही पहुंची असं छत के दसने पे हाँ कि काफ़ी बड़ा जुलूस है माशाल्लाह तो काफ़ी लोग जड़े न अगे मस्जिद ही चले गए जरा ज्यादा नहीं चली सकने क्योंकि काफ़ी लंबा जुलूस ही है मतलब है सफर इसलिए काफ़ी लंबा सी जी इतना भी जुलूस की खिदमत ना इंतजाम है एक कुछरी तरफ हाँ जी फयाज अच्छा फैज शूज वाले की तरफ जनाब फैज शूज वाले की तरफ जनाब माशाल्लाह समोसे पकौड़े और सारा कुछ इंतजाम है माशाल्लाह जी जो शर्का है देखे आपने मंजर की जानब रवा दवा है लेकिन जो जुलूस के शर्का है उनकी खातिर तवाजो के लिए भी हर गुजरते कदम के साथ हमारे जो कारोबारी इलाके लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं दुआओं के लिए कह रहे हैं जो फैज शूज की जानब से भी खाने का स्टाइल लगाया गया है इसी तरह स्टाइलिश जो बेड है फर्नीचर वाले यूनिक फर्नीचर वाले उनकी जानब से भी खाने का स्टाइल लगाया गया है थोड़े से आगे आ जाएगी तो जो जो लोग जिन्हें हजूर के जश्न आमद रसूल की जो जुलूस में उनके शर्का के लिए खाने का अहतमाम किया गया अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए जिस तरह स्टाइलिश बेड और यूनिक फर्नीचर वालों की जानब से भी खाने का स्टाल लगाया गया है तमाम की कारोबार में बरकत के लिए मैं गुजारिश करूंगा खलीफा सुफी सफदर साहब से कि वो सामने आए और दवा करें तमाम भाइयों के लिए शुक्र ख्याल रखे बरकत फरमा सलामती
نبی پاک دی غلامی دی زندگی عطا فرما یا اللہ جو بھی حاجت ہے پریشانی ہے بیماری ہے اپنے فضل کرم نال اس پاک نمل اج پاک میں لا دے نسب نہ سب دور فرما امن عزت علی زندگی عطا فرما یہ نیک آیات پوری فرما روزی زندگی برکت فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ माशाल्लाह जी इधर यूनिक फर्नीचर वाले अंदर तरफ भी इंतजाम है सिम साहब माड़ा साहब चाहिए मैं वीडियो बनाना पे माशाल्लाह जी यूनिक फर्नीचर की तरफ भी ड्रिंक कोड़े वगैरह सारा कुछ इंतजाम है चावल वगैरह कोड़े मिठाई ड्रिंक जो जुलूस रवाना हो रहा है आजमत के लिए जुलूस रवाना है उनके शुरुआत के लिए खाने पीने का इत्मीनान किया अल्लाह पाक इनके कारोबार में चार चांद लगा दे साथ साथ जो इनमें खाने के स्टॉल खाना पेश किया वो भी लेते जाए दुआएं करते हुए आगे बढ़ते जाए माशाल्लाह ये भी बात आपको बताता चलूं बर्तानिया भर का ये पहला जुलूस होगा बर्मिंघम का ये पहला जुलूस होगा जिसके शिरकत की खातर खा के लिए हमारे कारोबारी हजरात सामने आ जाते हैं जगह जगह खाने के स्टॉल लगाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब की कारोबार में बरकत अता फरमाए तो जिक्र पाकर सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से जुट रहा था झंडा लाया वा फलस्तीन ये इतना भी नहीं होना चाहिए ना शुड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना चाहिए माशाल्लाह जी जुलूस तकरीबन पहलम पहुंचने वाला हूँ मस्जिद को थोड़ा ही दूर आ काफी लंबा जुलूस आ लेंगे बंदे काफी पाने बलून है चाहिए जी जुलूस जड़ा वो पहलम राउंड अबाउट कोल पहुंची आया ते हुन बस असा रुनिया मस्जिद कोल ही आ रुनिया मस्जिद कोल ही हुन असां तमाम सरकार जुलूस के पीछे आ जाए और मैं क्राम के पीछे आ जाए उलमा इकराम से गुजारिश आगे कर मुस्तफा आप सब ने जवाब देना है या नबी जरा जोर से बोले जरा जोर से बोले इकबार तबेले इकबार तबेले जरा प्यार से बोले जरा प्यार से बोले जरा धीरे धीरे जरा धीरे धीरे फिर सोच के बोलो फिर सोच के बोलो जरा जोर से बोलो जरा जोर से बोलो है उमर कनारा सद्दीक पकारे उस्मान कनारा अली कनारा कुरान में आया कुरान में आया अब मिलकर बोलो
अरे तुम भी पहले, अरे तुम भी पहले, अरे आगे वाले जरा जोर से बोले। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। देखे 11 बजे दिन का जुलूस शुरू हुआ था जिसमें मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बड़ी शान और शौकत के साथ जिस तरह वालिहाना अकीदत का इजहार करते हुए आप सारे रास्ते से गए घर वापस आए हैं। जगह जगह देखे सरकार के साथ आपने निस्बत जोड़ी, जगह जगह खाने के स्टॉल लग गए, बार बार लोग आपके साथ आ रहे थे खाने के स्टॉल लगाकर उनकी निस्बत की निस्बत थी के अकादो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने वालिहाना अकीदत का इजहार किया। तो लाहौर दाता की नदी से तशरीफ लाने वाले मैं पीर शफीक रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने चंद इख्तितामी कलमात के वाले से जुलूस के इख्तिताम पर इख्तितामी कलमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, ये बड़ा खुशी का मौका है और ये जो 14वां अज़ीम-ए-शान जुलूस हारूनिया इस्लामिक सेंटर से जनाब मोहतरम मकाम इज्जत मां हजरत क़िबला खलीफा पीर सफदर साहिब नक्शबंदी दामद कातमुल्लाह अलिया उनकी सरपरस्ती में ये अज़ीम-ए-शान जुलूस यहाँ से रवाना हुआ था और इसकी जो दिगर इंतजामिया है मेरे मोहतरम मकाम इज्जत मां बरादर भाई आसफ रातलवी साहेब जनाब मोहतरम मकाम इज्जत मां मोहतरम इत्तेहाद भुट्टो साहेब और दिगर जितने भी अहबाब हैं मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना अजीम शान जुलूस निकालने पर। तौफीक अता फरमाए जितने दोस्त साहब तशरीफ लेके आए अल्लाह सबको दारैन की इज्जत अता फरमाए और बानियान महफिल को अल्लाह अपनी बारगाह से अजरवास से अजर अजीम अता फरमाए। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरे वालिदे गिरामी के लिए भी सूफी साहब दुआ फरमाएंगे अल्लाह उन्हें सेहत कामिला वाजिला अता फरमाए। माशाल्लाह जी, ये थे बीर शफीक रहमान साहब। चूंकि साहबजादा मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब हमेशा हर साल इस जुलूस में आते हैं, अभी इनके गले का ऑपरेशन हुआ है तो देखें अगर वो नहीं आ सके तो इन्होंने क़यादत के लिए अपने साहबजादे को रवाना कर दिया। माशाल्लाह जगला। तो मेरे मस्जिद कमेटी है राजा जावेद इकबाल साहब, राजा असम साहब, भाई खालिद साहब, सूफी अयूब साहब, हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, जिस तरह दिगर जो मेरे साथी हैं सारे कमेटी के मेंबरान हैं उन सब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने गुज़श्ता कई हफ्तों से तैयारियां कर रहे हैं। फिर क़िबला खलीफा सूफी सफदर हुसैन हारूनी साहब की निगरानी में इमाम आदिल साहब हैं, खतीब आजम इमाम जो हमारे अबू बकर सदीक साहब हैं, फिर कारी हनीफ साहब हैं, इसी तरह जो भाई निसार साहब हैं जो वैन हर साल को सजाकर लाते हैं अल्लाह इन्हें दारैन की सातें नसीब करे, भाई एताद मियां एताद गुड्डू साहब जुलूस का आगाज भी इन्हीं से होता है, इस्तेमाल कर पर भी यहाँ पर खड़े हैं अल्लाह पाक इन्हें भी दारैन की सातें नसीब करे। फिर जिस तरह हमारी मस्जिद कमेटी के मेंबर चौधरी रफी साहब वो घोड़ों का जो साथ एक जुलूस लेकर आए थे, घोड़ा देखो आपके पैगंबराना सवारी है तो भाई रफी साहब का वो शौक खुद भी घोड़े पालते हैं सवारी भी करते हैं, आज उन्होंने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में वो घोड़ों का एक पूरा काफिला लेकर आए थे उनके लिए भी दुआ करनी है। फिर ये बरतानिया का पहला जुलूस है जहां पर मैं आपको बताता चलूं जो वफद पाकिस्तान से तशरीफ लाया है पीर शफीक साहब, आप जनाब खलीफा साहब तशरीफ लाए हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये जुलूस इसके रास्ते में जगह जगह खाने के स्टॉल लगाए जाते हैं, ये हमारे कारोबारी लोग हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं सियासी हैं समाजी हैं उनका अकायद जहां के साथ बालियाना अकीदत का इजहार है। अभी इंशाल्लाह ताला तमाम शिरका यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हाफिज जनाब अर्शद साहब जो असलमिया सेंटर से आए हैं हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं, इसी तरह दारा मिनहाजुल कुरान, फिर जो अजर सुल्तान बहू सेंटर है उनसे, फिर जो जियाउल कुरान सेंटर है, जितने भी हमारे साथी गिरद नवाज़े तशरीफ लाए अपने काफिलों की सूरत में इंफरादी शक्ल में हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं, एक सुल्तान बहू सेंटर से जो आए हैं उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। इंशाल्लाह ताला 1:15 बजे आज मिलाद के इख्तिताम पर यहाँ पर ही आज जोहर की अजान होगी, उसके बाद अंदर जाकर जमात होगी, ये खुले आसमान तले अजान होगी। तो इससे कबल जनाब राजवेद साहब तवज्जो दिला रहे थे, अफज रमजान सुल्तानी साहब हैं, फिर इस तरह चौधरी वादी साहब हैं, दिगर जो हमारे भाई सारे जो तशरीफ लाए हैं उन्होंने खुश आमदीद किया, बिलखसूस खलीफा मुख्तार साहब और जो जिन लोगों ने रस्ते में फूड के स्टॉल लगाए हुए थे मैं खलीफा साहब से गुजारिश करूंगा तमाम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों के लिए। जी जी बिल्कुल खलीफा साहब, नहीं नहीं वो पीर साहब का इंशाल्लाह खलीफा साहब खुद जिक्र कभी उनको बुला रहा हूँ, इंशाल्लाह पीर साहब जिनकी वजह से जिनकी नजर जिनके फैजान से ये सेंटर बना जारी है फैजान उनका मैं खलीफा साहब से गुजारिश करूंगा तमाम शिरका का शुक्रिया भी अदा करें। खलीफा सबसे पहले 1 मिनट के लिए मैं इमाम आदिल साहब से गुजारिश करूंगा इंग्लिश में मैसेज दे दें ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है इंग्लिश में जो कम्युनिटी है हमारी उनके लिए एक मैसेज चला जाए। Some people may have an issue with this,
But we say, how can a lover of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam have an issue with this? We stand here today, we had a walk, what did we do in the walk? We done the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, we done the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. تیرے محبوب نے غلام غلامان رسول جلوس نے شکل بھی یا اللہ دو گھنٹے کا سفر نہ کیتا بزرگ کے چھوٹے بڑے بچے سارے ذوق و شوق نہ یہ سب تیری دیتی توفیق ہے تو مہربان ہے تو کرم کیتا ہے ان کرم فرمائے صحیح کی قبول فرما یا اللہ سارے دوستاں نے درجات بلند فرما اس ناجر جو بھی نبی کریم یا اللہ جو بھی درود پاک پڑھیا کلمہ شریف پڑھیا لوکاں لنگر تقسیم کیتا صرف تیری رضا واسطے تیرے محبوب نے آمدنی خوشی واسطے رب اے ساری صحیح کی قبول فرما مسجد نے اندر آئی گیا ہوں مسجد کافی سجائی ہے ہوں اتنے اندر پروگرام ہو سی تو اذان وغیرہ ہوئی گیا ہوں نماز پڑھنا زور نہیں ان شاء اللہ با جماعت تو اس تو بعد ان شاء اللہ پھر باقی پروگرام سے شیئر کرنے All right.
ਜਲੂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ
है दुनिया को बता